ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कि अब जो स्टोमेटा होते हैं वो किस तरह से क्लोज होते हैं और किस तरह से ओपन होते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से यानी कि कौन इनको स्टिमुलेट करता है कि ओपन होना है और कौन इनको स्टिमुलेट करता है कि क्लोज होना है। तो अब इसके अगर प्रोसेस में अगर हम देखें तो मोस्टली स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं डे टाइम में, यानी कि जब डे टाइम लाइट होती है उस टाइम पे स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं और नाइट टाइम में अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। यानी कि स्टोमेटा जो है ये ओपन होते हैं डे टाइम में और नाइट में ये क्लोज हो जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो स्टोमेटा जो है अगर हम इनमें देखें तो ये टू गॉड सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि वन गॉड सेल दिस एंड द सेकेंड वन ये, इसी तरह एक गॉड सेल ये और दूसरा गॉड सेल ये। दोनों गॉड सेल्स के दरमियान में एक स्पेस होती है, ओपन स्पेस होती है, जिसको बोलते हैं स्टोमा। अब स्टोमा जो है ये वो स्पेस होती है जिसके ज़रिए वाटर एंटर होता है और एग्जिट होता है, यानी कि जो एयर वगैरह जो एंटर होती है वो इस स्पेस के ज़रिए एंटर होती है, यानी स्टोमा के ज़रिए एंटर होती है और एग्जिट भी इसके ज़रिए होती है। तो अब अगर हम इस के प्रोसेस को समझें तो इसमें ये पता लगता है कि जो गॉड सेल्स हैं इसके दो साइड्स हैं, यानी कि एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है। जो ये वाली साइड है इसकी, ये वाली, ये कनकेव है, जबकि जो आउटर रीजन है वो कन्वेक्स है। तो जो कनकेव रीजन होता है इसका, जो कि इनवर्ड होता है, जो कि स्टोमा को फेस करता है, वो थिकर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू वो इसका रीजन जो कि आउटवर्ड है, और ये आउटवर्ड जो होता है वो कन्वेक्स होता है। तो जो कनकेव रीजन है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेक्स, कन्वेक्स जो है वो थोड़ा थिन होता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि स्टोमेटा जो है ये ओपन और क्लोज होते हैं, ओपन और क्लोज इसलिए होते हैं कि वाटर जो है इसने ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करनी होती है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर ऑन होता है। जब स्टोमा यानी कि गॉड सेल्स में जो स्टोमा होता है वो बिल्कुल यानी कि फुल हो जाता है वाटर से, तो उस वक्त स्टोमा जो है वो ओपन होते हैं और वाटर को बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। जबकि जो प्लांट की बॉडी में यानी कि अगर वाटर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है तो उस वक्त जो है स्टोमा क्लोज होते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन उस वक्त स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन उस वक्त परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो बाज़ बायोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं एज़ वी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4 के जो स्टोमेटा हैं वो किस तरह से यानी कि ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, वहाँ पे भी यानी इसको डिस्कस किया था। तो अब अगर हम इस लिहाज से अगर इसको देखें तो कुछ इसका लाइट का भी इफेक्ट होता है, लाइट जो है वो भी यानी कि मूवमेंट करवाती है स्टोमेटा की। यानी कि इस तरह से होता है कि लाइट के ज़रिए जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो मूव करते हैं गॉड सेल्स की तरफ, और फिर ये होता है कि जो गॉड सेल्स में जब पोटाशियम आयंस पहुँचते हैं तो वो स्टिमुलेट करते हैं स्टोमा को, और जब स्टोमा ओपन होते हैं तो वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें तो डे टाइम में, यानी कि अगर डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में कुछ इस तरह से होता है कि जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ रही होती है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ी होती है यानी कि सॉल्यूशन अंदर हाइपरटोनिक हो जाता है। तो हाइपरटोनिक होने की वजह से वाटर जो है वो अंदर की तरफ स्टे करता है, जैसे जैसे यानी कि डे एंड होता है तो पोटाशियम आयंस फिर मेसोफिल सेल से मूव करते हैं गॉड सेल्स की तरफ, और जो है यानी कि स्टोमा को स्टिमुलेट करते हैं कि ओपन हो जाओ, और जब वो ओपन होता है तो फिर वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो इस वजह से ये होता है कि नाइट टाइम में जो वाटर रिलीज हो जाता है इसकी वजह से जो स्टोमा है वो क्लोज हो जाते हैं, जबकि जो डे टाइम में है वो स्टोमा ओपन रहते हैं ताकि वाटर जो है वो रिलीज होता रहे, ट्रांसपिरेशन होती रहे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। यानी कि अगर हम बात करें कि पोटाशियम आयंस, तो पोटाशियम आयंस की भी यानी कि बहुत इम्पोर्टेंस है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में, कि वो मेसोफिल सेल से निकलते हैं और गॉड सेल्स में पहुंचते हैं और फिर स्टोमा को स्टिमुलेट करते हैं कि अब ओपन होना है और किस वक्त क्लोज होना है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में जो पोटाशियम आयंस हैं उनका बहुत ही नेसेसरी रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका। तो ये सारी की सारी जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, थैंक्स।